हरियाणा के किसानों का पंचकुला में 72 घंटे का लगातार महापड़ाव चल रहा है। आज महापड़ाव का तीसरा दिन है। तीसरे दिन लगातार हरियाणा भर से जो किसान है, 3 दिन पहले यहाँ पहुँचे थे, लगातार 3 दिनों से यहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं। किसानों की मांग थी कि MSP पर गारंटी कानून की जो है बात की जाए, इसके अलावा किसानों पर जो कर्ज है वो माफ़ किया जाए, बिजली बिल जो है वो माफ़ किया जाए। इसके अलावा लखीमपुर खीरी में जो हादसा हुआ था, किसान शहीद हुए थे, उन शहीदों को जो है न्याय दिया जाए और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और लगातार जो है 3 दिन तक पंचकुला के सेक्टर 5 धरना स्थल में किसान यूनियन और ट्रेड यूनियन अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही थी। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हरियाणा भर से जो ट्रेड यूनियन है, किसान यूनियन है, वो यहाँ पर पहुँची हैं। लगातार सरकार पर जो है MSP और कर्जा मुक्ति सहित अन्य मांगों को लेकर जो है दबाव बनाने की कोशिश जो है किसानों द्वारा की जा रही थी। और आज जो है एक बड़ा आंदोलन किसानों के द्वारा किया जाना था। कल किसानों के जो नेता हैं, उन्होंने घोषणा की थी कि पंचकुला से चंडीगढ़ के लिए वो कूच करेंगे और एक विशाल रोष प्रदर्शन करेंगे और राज्यपाल को ज्ञापन देंगे। लेकिन सुबह जो किसान नेताओं की एक बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि 21 लोग जो है किसान नेता वो चंडीगढ़ जाएंगे और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। कुछ देर पहले ही 21 लोगों का जो प्रतिनिधिमंडल है वो चंडीगढ़ के लिए रवाना हुआ है और उसके बाद राज्यपाल हरियाणा को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे और वो प्रतिनिधि वापस आकर क्या फैसला लेता है, क्या धरना समाप्त करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बड़ा आंदोलन जो किया जाना था, अब वो आंदोलन नहीं किया जा रहा, चंडीगढ़ कूच नहीं किया जा रहा। 21 लोगों का जो प्रतिनिधिमंडल है वो राज्यपाल हरियाणा को ज्ञापन सौंपेगा। पंचकुला से इंडिया न्यूज़ के लिए तारा ठाकुर की रिपोर्ट।